सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बिग थिंग सीजे। गाइज, सर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 8 और 60 अपडेट के बाद क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला है रियलमी 2 एंड C1 के डिवाइसों में। गाइज, मैंने अपडेट किया तो मेरे को काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिले मेरे डिवाइस में रियलमी 2 में, एंड आपको भी पता चल जाएगा कि आपको भी क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे इस अपडेट के बाद। आपने अगर अभी तक नहीं किया है या फिर बहुत से लोग कर लिए बट उन्हें पता नहीं कि क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले इस अपडेट में, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट के बाद क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले सिस्टम पे एंड क्या क्या बग्स था जो फिक्स हो चुका है इस अपडेट में। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे मोबाइल में कौन सी अपडेट चल रही, ताकि आप लोगों को अच्छे से विश्वास हो जाए। यहाँ पे मैंने डाटा ऑफ किया हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा। मैं डाटा ऑन कर लेता हूँ। डाटा ऑन करने के बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन सी अपडेट अभी फिलहाल चल रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, मैंने 8 और 60 अपडेट को कर लिया। यहाँ पे पूरी तरीके से वो अपडेट हो चुका है एंड 2 दिन मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 8 और 16 अपडेट में। एंड मैं आपको अबाउट पे जाकर दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन सा डिवाइस है। ऊपर पे आप लोग देख सकते हो गाइस, रियलमी 2। एंड अब बात करें गाइस यहाँ पे क्या क्या बग्स फिक्स हुआ है इस अपडेट में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। यहाँ पे जो सिस्टम पे लैगनेस की प्रॉब्लम चल रही थी, वो यहाँ पर फाइनली इस अपडेट में उसे फिक्स कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको कोई भी ऐप अगर आप ओपन करते हो तो तुरंत यहाँ पे फटाफट वो ऐप ओपन हो जाएगा। पहले क्या होता था कि आप किसी ऐप को अगर ओपन करते थे तो हल्का सा वहाँ पे लैगनेस आपको देखने को मिलता था, लगता था कि आपका जो मोबाइल है वो कहीं ना कहीं रुक गया है, इस तरह से आपको देखने को मिलता था। बट इस अपडेट के बाद यहाँ पे सिस्टम पे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिले एंड जो लैगनेस था वो भी यहाँ पर फाइनली हट चुका है पूरी तरीके से इस अपडेट में। तो इस अपडेट में कंपनी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी सारे बग्स को फिक्स किए हैं बैटरी एंड कैमरे पे। मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी पे भी काफ़ी सारे बग्स थे वो फिक्स हो चुके हैं एंड जो बैटरी ड्राइंग की इशू चल रही थी वो भी यहाँ पर फाइनली फिक्स हो चुका है। एंड यहाँ पर जो कैमरे की बात करें तो कैमरे पर भी काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे इस अपडेट में, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम पर काफ़ी सारे जो लैगनेस की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर फाइनली फिक्स कर दिया गया इस अपडेट में। एंड यहाँ पे गए जो स्वाइप अप जैसा था उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। काफ़ी लोगों के डिवाइस में पहले ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता था स्वाइप अप जैसा, बट इस अपडेट के बाद वो जो जेस्चर उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है मेरे को। एक बार अगर आप स्वाइप अप करते हो तो आपका जो डिवाइस है वो बैक हो जाएगा एंड एक बार बीच वाले को ऊपर करते हो तो आप यहाँ पे से क्लियर पेज पे डायरेक्टली जा सकते हो। पहले क्या होता था, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता था, एक बार पे काम नहीं करता था, आपको 2-3 बार स्वाइप अप करना पड़ता था, उसके बाद आपका जो डिवाइस वो बैक होता था। तो यहाँ पे इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिले इस अपडेट के बाद। एंड बात करें कैमरे की तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले कैमरे पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, कैमरे की क्वालिटी एंड क्लियरिटी यहाँ पे इस अपडेट में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिले मेरे को कैमरे पे। गाइस मैं रियली बता रहा हूँ आपको कि कैमरे में मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले, किसी में देखने को मिले चाहे नहीं मिले बट मेरे को कैमरे पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और साथ ही गाइस यहाँ पे जो कैमरे पे लैगिंग प्रॉब्लम थी, जैसे कि आप वीडियो मोड से अगर डायरेक्टली फोटो मोड पे जाते थे तो आपका जो कैमरा है वो 2 सेकंड कहीं ना कहीं फंस जाता था, बट इस अपडेट में इससे भी काफ़ी इंप्रूव किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप किसी मोड पे भी जाते हो तो यहाँ पे फटाफट आपको उस मोड पर लेकर चला जाता है। पहले क्या होता था, पहले अपडेट में नेक्स्ट अपडेट में आई मीन पिछले वाले अपडेट में आप अगर एक मोड से दूसरे मोड पे जाते थे, जैसे कि वीडियो मोड से फोटो मोड पे जाते थे, तो आपका जो कैमरा था वो कहीं ना कहीं लैग करता था एंड 2 सेकंड फंस जाता था। बट इस अपडेट के बाद इस पर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड यहाँ पे आप बात कर लेते हैं बैटरी की, कि इस अपडेट के बाद बैटरी पे क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि बैटरी पे भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला इस अपडेट के बाद। इस अपडेट से पहले आई मीन 8.59 अपडेट में सबसे ज़्यादा बैटरी को यूज़ करता था तो वो था सिस्टम लॉन्चर, और सबसे टॉप पे रहता था सिस्टम लॉन्चर। पावर यूजिंग में अगर जाकर देखते थे तो सबसे टॉप पे रहता था सिस्टम लॉन्चर। एंड काफ़ी लोगों को भी ये प्रॉब्लम इशू करना पड़ा था कि उनके डिवाइस में भी सबसे ज़्यादा टॉप पे रहता था सिस्टम लॉन्चर। एंड इस अपडेट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ पावर यूजिंग पे जाके कि सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सा ऐप है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे ज़्यादा टॉप पे है यूट्यूब एंड सेकंड पे है गूगल एंड थर्ड पे है YT स्टोर, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर आपको देखने को मिलेगा आई मीन 4th नंबर पे। तो यहाँ पे गाइस बैटरी पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई, आई मीन जो ड्राइंग प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिक्स की गई है इस अपडेट में।
तो आपने अगर अभी तक इस अपडेट को नहीं किया तो जाकर जल्दी से करो, क्योंकि इस अपडेट में काफ़ी सारे बग्स वो फिक्स किए गए एंड काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिले इस अपडेट में। तो जाकर जल्दी से इस अपडेट को करो एंड जो जो बग्स थी वो सारे फिक्स हो जाएंगे इस अपडेट में। एंड यहाँ पे बात करें गेम स्पेस के बारे में, तो उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। काफ़ी लोगों के डिवाइस में जो ऐप थे वो ऐड नहीं होते थे, बट इस अपडेट के बाद वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो मेरे गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। और अगर इस अपडेट में आप लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या क्या बग्स फिक्स हुए, तो मैं 8.59 अपडेट एंड 8.16 अपडेट दोनों में कंपेयर करके आपको बता दूंगा कि रियली में क्या क्या प्रॉब्लम था जो कि फिक्स हो चुका है 8.16 अपडेट में। दोनों में कंपेयर करूंगा कैमरे को लेकर, बैटरी को लेकर, तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या क्या बग्स फिक्स हुआ एंड क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला 8.16 अपडेट में। तो यार गाइस तब तक के लिए चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर।